जैसा कि दोस्तों आप लोग जानते हैं कि 1 जनवरी 2019 से सभी वैलेट ने काम करना बंद कर दिया है, यानी क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर या मनी ट्रांसफर क्रेडिट कार्ड टू बैंक, लगभग सभी वैलेट काम करना बंद कर दिया है, क्योंकि उनके पीछे रीजन है। एक्चुअली अगर आप दोस्तों को मैं बताना चाहूंगा, अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम आ रही है किसी भी वैलेट के रिगार्डिंग, तो आप अपना स्क्रीनशॉट मुझे शेयर करें मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर। इंस्टाग्राम आईडी है vikramsharma469 और साथ में आप इसको डिस्प्ले पे भी देख रहे होंगे मेरी आईडी को, तो दोस्तों उसको 100% शेयर कीजिए आपकी प्रॉब्लम को। अगर कोई सोल्यूशन होगा तो मैं आपको तुरंत गाइड करने की कोशिश करूंगा। दूसरा दोस्तों, आज मैं लेके आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक, जिससे आप अपने अमाउंट को ट्रांसफर कर सकते हैं बैंक में डायरेक्टली। दोस्तों बैंक में उसमें आपको कहीं भी घुमाने फिराने की जरूरत नहीं है और आपका पैसा आपके बैंक अकाउंट में चला जाएगा विदाउट एनी फी, यानी आप अपना जो क्रेडिट कार्ड टू बैंक अकाउंट ट्रांसफर है वो बिना किसी फीस के ट्रांसफर कर सकते हैं। दोस्तों आपसे सिर्फ यही रिक्वेस्ट है, अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो कृपया इसको लाइक कर दीजिएगा और साथ में हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आने वाले समय में हम ऐसी ही लेटेस्ट वीडियो लाते रहेंगे इस टॉपिक के ऊपर भी और मनी सॉल्यूशन के टॉपिक के ऊपर भी, नई नई वीडियो में आपको लाता ही रहूंगा। दूसरा, अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो मेरे इंस्टाग्राम पर आप 100% शेयर कीजिए, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम ऐसी रहती है कि आपको नहीं पता, शायद मेरे को उसका सॉल्यूशन पता हो, तो आप अपनी कोई भी प्रॉब्लम है वो मेरे को शेयर कीजिए अपने मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे। तो दोस्तों आप देख रहे हैं मनी सॉल्यूशन, मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त विक्रम। चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या है, सबसे पहले आप अपना TMW का अकाउंट ओपन कर लीजिए और किसी भी क्रेडिट कार्ड से इसके अंदर पैसे लोड कीजिए। दोस्तों पैसे मैं लोड करूंगा एक राउंड फिगर में, मैं कभी नहीं लोड करूंगा क्योंकि ये डिटेक्शन में चला जाता है। मैं करूंगा इधर 1521 रुपये और मेरा जो क्रेडिट कार्ड की डिटेल ऑलरेडी शो है, इसके बाद मैं मेरा डालता हूँ CVV नंबर। तो जैसे ही मैं मेरा CVV नंबर डाल देता हूँ, उसके बाद मैं करूंगा लोड के ऊपर क्लिक और ये चला जाएगा डायरेक्ट कोटक के उधर उसमें। उसके बाद दोस्तों आपको क्या करना है कि जैसे ये चला जाता है, अगर आपको इधर से कोई प्रॉब्लम आती है तो मेरे को आप कमेंट कीजिएगा, मेरे जो इंस्टाग्राम अकाउंट है उधर आपको सिर्फ आपका स्क्रीनशॉट शेयर कीजिएगा, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो मैं उधर डायरेक्टली आपसे कॉन्टैक्ट करूँगा। तो देखिए दोस्तों OTP अभी चला गया है, जैसे ही OTP आएगा उसके बाद मैं इधर OTP करूँगा और ये पैसे देखिए दोस्तों आ गया 60 35 78 60 35 78 और मैं इधर सबमिट कर देता हूँ। ये दोस्तों नई ट्रिक है, एक पहले भी ट्रिक मैंने ऑलरेडी बनाई थी उसमें, वो इस टाइप से नहीं, इसमें दो ऑप्शन से आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो दोस्तों इधर लोड सक्सेसफुल हो गया है, पैसे जो ऐड हो गए हैं। इसके बाद मेरे को क्या करना है, इसके बाद मैं जाऊँगा बैक और इधर जो कार्ड का ऑप्शन दिखाई दे रहा है इसको मैं सेलेक्ट करूँगा। देखिए दोस्तों जो ये वर्चुअल कार्ड है इधर आपको दिखाई दे गया होगा, इस वर्चुअल कार्ड को मैं इधर से कॉपी कर लूँगा और कॉपी करने के बाद जैसे दोस्तों मैंने इस इधर कॉपी कर लिया और उसके बाद मैं जाऊँगा डायरेक्टली जेटा में। तो दोस्तों जेटा में जाने के बाद आपको पैसे इधर ऐड नहीं करने हैं, आपको पैसे ऐड करने हैं कार्ड प्लस के अंदर, ये इधर आपको ऑप्शन दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको पैसे ऐड करने हैं। और जो इसकी मेरी लिमिट है दोस्तों वो 1,00,000 रुपये है। जैसे मैं इसके अंदर क्लिक करूँगा तो ऐड मनी के ऊपर मैं जाऊँगा और इधर जो दोस्तों मेरा नंबर है वो ऑलरेडी इसके अंदर डला हुआ है जो TMW का है, मैंने कल ही इसको डाला था। तो इधर मेरे को दोस्तों क्या करना है, मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक करूँगा मेरे को अमाउंट ऐड करनी है 1520 रुपये जो मैं उधर से TMW में ऐड किए थे दोस्तों। तो उसके बाद दोस्तों मैं इधर करूँगा उसके ऊपर क्लिक और मैं इधर जो मेरा लॉक स्क्रीन पैटर्न है यानी जो मेरी फिंगरप्रिंट है वो मैं दूंगा, क्योंकि मैंने उसमें सिक्योरिटी फीचर यही डाल रखा है। तो अभी क्या है दोस्तों, जो मेरा वो कार्ड है वो TMW का, तो अभी जो TMW में OTP आएगा मेरे को वो OTP इधर सबमिट करना पड़ेगा। जैसे ही मेरी जेटा के अंदर पैसे लोड हो जाएंगे मैं उनको ट्रांसफ़र करूँगा मेरे डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। तो दोस्तों OTP आया है 14417, तो मैं इधर डाल दूँगा दोस्तों OTP और उसके बाद जैसे सबमिट करूँगा जो मेरे पैसे हैं वो इसके अंदर जो सुपर कैश का जो ऑप्शन है इसके अंदर वो मेरे देखिए दोस्तों पैसे ऐड हो गए हैं। अभी अगर वीडियो आपको दोस्तों अच्छा लगता तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो दोस्तों इधर दो ऑप्शन हैं मेरे को पैसे भेजने के, एक है कि मैं इस जो कैश कार्ड को मैं कहीं भी यूज़ कर लूँ, या जो दूसरा ऑप्शन है दोस्तों डायरेक्टली टू बैंक अकाउंट। देखिए मैं इधर पे सेंड पे क्लिक करता हूँ तो इधर आप देख रहे होंगे ऑप्शन क्या आ रहा है, ट्रांसफर परमा ये टेम्परेली ब्लॉक्ड अकॉर्डिंग टू RBI, अ सुटेबल कूलिंग पीरियड इज़ नीडिड।
कूलिंग पीरियड का मतलब दोस्तों कि 14 मिनट तक मेरे को वेट करना पड़ेगा, 14 मिनट के बाद मैं इस पैसे को डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में भी ट्रांसफर कर सकता हूं, नहीं तो जो जेटा का जो वर्चुअल कार्ड है उसके थ्रू भी मैं पैसे डायरेक्टली ट्रांसफर कर सकता हूं मेरे किसी भी, जैसे पेटीएम में भी ट्रांसफर कर सकता हूं, उसके बाद जहां भी मतलब वर्चुअल कार्ड जो अभी रुपए का मास्टर कार्ड जहां रुपए का जो कार्ड एक्सेप्ट हो रहा है मैं उधर कर सकता हूं। तो दोस्तों 13 मिनट तक वेट करते हैं, मैं डायरेक्टली लेके चलता हूं आपको 13 मिनट के बाद। उसके बाद क्या होता है, अगर दोस्तों जैसे ही जेटा में अगर आप लॉगिन करते हैं तो सबसे पहले प्रॉब्लम ये आएगा इन्हें जो क्या इनवाइट कोड दीजिए, तो इनवाइट कोड डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उधर से आप इनवाइट कोड लेके डायरेक्टली इसमें लॉगिन कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं जो टाइम था वो कंप्लीट हो गया, उसके बाद मैं इसको ट्रांसफ़र करूंगा मेरे येस बैंक में। जैसे दोस्तों मैं इधर सेलेक्ट करता हूं जो 1521 रुपये हैं, मैं इधर से 1520 रुपये ट्रांसफ़र करूंगा। और दोस्तों ये मैंने ट्रांसफ़र के लिए IMPS के थ्रू मैंने भेज दिया है, ये पैसा चला जाएगा डायरेक्टली मेरे बैंक अकाउंट में विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड। ये देखिए दोस्तों ओके कर दिया। उसके बाद जैसे ही आप चेक करेंगे आपके बैंक अकाउंट में पैसे पहुँच चुके होंगे। आप दोस्तों नीचे देख भी सकते हैं कि ₹1520 क्रेडिट यू टू योर अकाउंट। आप नीचे मैसेज भी देख रहे हैं दोस्तों, तो ये मेरा अवेलेबल बैलेंस है जो अभी 6532 रुपये हो गया है मेरे येस बैंक में। तो दोस्तों ये है एक नई ट्रिक, इसके द्वारा आप पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं बैंक अकाउंट में, किसी भी बैंक अकाउंट में, और इसके लिए आपको दोस्तों कोई ज़्यादा इफर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। और दूसरा दोस्तों मैं आपको बता दूँ कि इसके लिए जब भी आप पैसे लोड करेंगे कैश प्लस में ही अमाउंट ऐड कीजिएगा, और TMW से ये अभी वर्चुअल कार्ड एक्सेप्ट कर रहा है और शायद करता भी रहेगा। दोस्तों ये आज की एक नई ट्रिक है। दोस्तों अगर आपको यह ट्रिक अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिए और इस वीडियो को शेयर कीजिए। फिर भी अगर इसके रिगार्डिंग आपका कोई क्वेश्चन है तो आपका जो स्क्रीनशॉट है दोस्तों मेरे को शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जितना जल्दी हो सकेगा मैं उसको आपको। तो दोस्तों आपने देख लिया होगा इस तरह से आप अपने अकाउंट में के पैसे को क्रेडिट कार्ड को बैंक में ट्रांसफ़र कर सकते हैं जिसका कोई भी चार्जेस नहीं है, और यह ट्रिक अभी काम करी और शायद फ्यूचर में बहुत दिनों तक यह ट्रिक काम करेगी। उसके बाद दोस्तों आप अपनी प्रॉब्लम को शेयर कीजिए मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे जिसकी लिंक है या ID है जो vikramsharma469, जिससे मैं आपको बहुत ही जल्दी आपको रिवर्ट करने की कोशिश करूंगा। दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत टाइम लगता है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसको थोड़ा सा लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आने वाले समय में हमें भी थोड़ा सा हौसला मिले कि हम आपके लिए नई ट्रिक लेके आएँ कि आपका भी कुछ बेनिफिट हो, हमारे चैनल को भी थोड़ा सा लाभ मिले। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी बताइए, अगर कोई कमेंट है तो कमेंट सेक्शन में जाके अपना कमेंट कीजिए। और तब तक अगली वीडियो के लिए दोस्तों मैं आपसे लेता हूं इजाजत, तब तक जय हिंद वंदे मातरम।